प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश त्रिपाठी और इस समय हम जयपुर के बगड़िया मार्केट में खड़े हुए हैं, जहां पर व्यापारी वर्ग का एक विरोध देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ पुलिस के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी की गई है जिससे यहां के व्यापारीगण बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। चलिए जानते हैं इनसे। आपका नाम? राजेंद्र सिंह कुमार। आप लोग ये नारेबाजी और ये सब का क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में। कल शाम को पुलिस थाना इंचार्ज मदन बैनीवाल यहाँ आए थे और किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर उसको साथ लेके आए और दुकानदारों से जबरदस्ती अतिक्रमण के नाम पर सामान फेंकना, दौड़ाना, धमकाना और जेल में उठा के डाल देने की धमकियां दी। और आज सुबह वो आए, ग्राहक की मोटरसाइकिल उठा के ले गए, हेलमेट उठा के ले गए, एक ग्राहक खड़ा था उसको भी गाड़ी में डाल के ले गए। यहाँ व्यापारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और वो कह रहे हैं कि पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है जिससे वो ग्राहकों के मोटरसाइकिल और उनका सामान ले गए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ और बहुत सारी चीज़ों को फेंका जिससे, और दूसरों लोगों से भी हम जानते हैं कि क्या है और पूरा मामला और चेतावनी। आपका नाम? महेश, अध्यक्ष व्यापार मंडल का। जी, क्या है, क्या पूरा मामला क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा आप लोग संख्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं? सीसकी में एक छोटा सा बाजार है, बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं, कुल 40 दुकानें हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से काम चलता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मोहल्ले की ही हम पूरा मोहल्ले की सेवाएं करते हैं मानो आप ही, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को तकलीफ है। दुकानदार दुकानें क्यों चलती हैं, व्यापार क्यों हो रहा है इनमें, इसलिए कोई ना कोई अड़ंगा वो लगाते रहते हैं। कभी हाईकोर्ट में अपील कर दी, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। पिछली सरकार के टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु व्यापारी सारे साथ हैं, उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी जाएगा। अब कल जब इंचार्ज साहब यहाँ पर आए, सबसे निवेदन हो गया, भाई सब दुकान को थोड़ा थोड़ा बाहर सामान रहता है ये सबका, उसमें मेरे को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। सब ने अपना सामान अंदर कर लिया। आज सुबह इंचार्ज साहब आते हैं और जैसे नगर निगम इंस्पेक्टर भी वही हैं, हाई कोर्ट के जज भी वही हैं, सारा फैसला हाथों हाथ सामान डाला गाड़ी में, किसी का सामान फेंका बाहर। एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल, ग्राहक सामान दुकान से ले रहा था, उसकी वाइट पट्टी के अंदर मोटरसाइकिल थी, उन्होंने उस मोटरसाइकिल को, इसको अंदर रखो, गाड़ी में रखो, कार्रवाई की, हेलमेट उठा के रखा, वो लड़के ने पैर और पकड़े उनके तो उसको बैठा लिया गाड़ी के अंदर। एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो कौन ग्राहक आएगा बाजार के अंदर? जैसा भी आपने देखा, यहाँ पर व्यापारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और वो इस बात को लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध कर रहे हैं कि क्यों एक ग्राहक की मोटरसाइकिल को पुलिस उठाकर ले गई। पता नहीं कंट्रोल की इतला पाया हूँ मैं तो। अच्छा, मैं कंट्रोल की इतला पाया हूँ मैं। तो ये बाजार बंद क्यों हो रहा है? अब मैं पूछूंगा इसे। पूछो पब्लिक खड़ी है, पूछो ना, अब तो नहीं पूछ रहे। व्यापारियों का आक्रोश यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें बड़ी तादाद में देखने को मिला और जिसे शांत करने के लिए राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने आते ही सबसे पहले तो परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवा दिया। ये एक उपलब्धि है इनकी, यहाँ आते ही इन्होंने ऐसा किया और हम जानना चाहेंगे कि जो इन व्यापारियों की समस्याएँ हैं उसको लेकर ये क्या कहें। व्यापारियों का सम्मान है, सरकार में सिस्टम है, कांग्रेस की सरकार की मालिक जनता है। व्यापारी का हम सम्मान करते हैं, किसी भी पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी है व्यापारियों का सम्मान करे। कोई प्रॉब्लम है तो व्यापार मंडल से बात करे, व्यापारी से प्यार से बात करे। यदि कोई भी अधिकारी गलती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गलत बात है। आपस में प्यार और प्रेम से काम होता है, ये सरकार धक्का से, ताकत से, डंडे के दम पर कोई काम नहीं करना चाहती। हमें जनता का विश्वास है, जो भी काम करेंगे जनता को विश्वास में लेके करें। और एक और जानना चाहूँगा, सुबह सुबह एक ग्राहक का, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक ग्राहक आया था जिसकी बाइक और उसे
स्वयं को पुलिस उठाकर ले गई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो छोड़ दिया गया उनको, और यदि फिर भी किसी अधिकारी ने गलती की तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। हमारे साथ बागड़िया भवन बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से व्यापारियों की नाराज़गी से पूरा रास्ता जाम कर दिया गया था, व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री आए और उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया ये हम जानना चाहेंगे, जिसके बाद से व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी और रास्ते को जो जाम किया था वो खोल दिया है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो परिवहन मंत्री जी आए थे, उन्होंने आप लोगों से ऐसा क्या कहा जिसके बाद आपने अपना अनशन और अपना धरना ये सब समाप्त कर लिया? हमारे बुलाने पे प्रताप सिंह जी खाचे रहवास जो सरकार में मंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तुरंत यहाँ पर एक मीटिंग थी उनको छोड़कर आए यहाँ पे और सब व्यापारियों को समझाया उन्होंने कि सरकार आपकी है, और पहले सबसे पहले तो रास्ता उन्होंने खुद ने हमसे आग्रह किया कि दोबारा रास्ता खोलो, अपन बैठ के बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा जो भी दोषी अधिकारी है उसके पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ है, ये आश्वासन देकर गए। बोला बाजार खोलो फिर भी मैं खड़ा हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी व्यापारी को तो मेरे यहाँ 12 घंटे 24 घंटे आ सकता है वो, तो बड़ा अच्छा रहा उनका। और उन्होंने कहा इस बात को और तुरंत उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बात की और जो भी समस्या थी उसका निराकरण किया। हम संतुष्ट हैं। क्या जो एक आप लोगों की मांग थी कि पुलिस के प्रशासन के जो अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पर आकर उपद्रव किया या जो व्यापारियों से बदतमीजी की, क्या उसके लिए आप लोगों ने जो माफ़ी की मांग की थी क्या वो उसके लिए तैयार हुए? वो बोले पुलिस प्रशासन से बड़ी सरकार बैठी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, तो हमको तो और अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ने कहा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, जो कि हमको बिल्कुल उनसे उम्मीद नहीं थी किसी तरह, और उन्होंने कहा कि अधिकारियों सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो उन्होंने बदमाशी की है जो गड़बड़ी की है सबके खिलाफ कार्रवाई। अभी देखा आपने हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से सरकार के इस फैसले से, जो मंत्री जी आए थे उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे हम संतुष्ट हैं, और उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। ईएल मीडिया जयपुर के साथ अविनाश त्रिपाठी।